यमुना नगर में पेट्रोल पंप पर लूटपाट हुई है। पेट्रोल पंप पर लूट की खबर, पेट्रोल पंप कर्मचारी से पैसे छीनकर फरार हुए हैं। दो बाइक पर सवार युवक थे जिन्होंने पैसे छीने और वहां से फरार हो गए। बाइक सवारों ने चेहरे पर कपड़ा बांधा हुआ था। पेट्रोल पंप पर यह लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है और ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से बाइक पर ये दोनों लोग सवार थे, मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था, पेट्रोल भरवाने के बहाने ये यहां पर पहुंचते हैं और पेट्रोल पंप कर्मचारी हालांकि यहां पर देखिए पैसे बचाने की पूरी कोशिश करता है। बाइक काफी दूर तक बाइक के साथ वो भागता हुआ नजर आता है, लेकिन ये दोनों जो युवक हैं वो पैसे लेकर फरार हो गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर पेट्रोल पंप पर, यमुना नगर का ये पेट्रोल पंप है जिस पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया है और बहुत शातिर तरीके से ये दोनों युवक आए, मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था और देखकर लग नहीं रहा था कि इस तरह की किसी वारदात को ये अंजाम दे सकते हैं। पेट्रोल भरवाने के बहाने से आए थे और यहां पर जो पेट्रोल कर्मी है, पेट्रोल पंप कर्मी है, उसके हाथ में जो कैश था उसको छीनकर ये जो लोग हैं फरार हो गए। देखने वाली बात होगी पुलिस कितनी तेजी से इस मामले पर कार्रवाई करती है। हालांकि शक्ल नहीं दिख रही है, चेहरे नहीं दिख रहे हैं इन दोनों युवकों के, लेकिन बाइक आ चुकी है सीसीटीवी कैमरा में और नंबर प्लेट के जरिए क्या पुलिस कार्रवाई करती है आसानी से, कितनी जल्दी खुलासा होता है देखने वाली बात होगी। घर आए डेढ़ डलवा के चलते, मैंने कहा भाई साहब पैसे दे दो, तो अगले वाले ने मुझे पैसे दिए और पिछले वाले ने मेरे हाथ के पैसे खींच लिए। कैसे लग रहे थे वो? मुंह में डाटा बांधा सब, तमाम प्रकार के पब्लिक है ऐसी आती रहती है, मुंह में डाटा बांध रखा। मोटरसाइकिल पे थे, कोशिश तो मैंने बहुत किया लेकिन नाकामयाब रहा। मोटरसाइकिल नंबर तो नजर नहीं आ रहा। हाँ, आज ये पेट्रोल पंप पर एक स्नैचिंग हुई है जिसमें दो लड़के थे, स्प्लेंडर बाइक थी ब्लैक कलर की, और उन्होंने पेट्रोल पंप कर्मचारी से 6-7 हज़ार रुपये जो बता रहे हैं उन्होंने स्नैच किए हैं। जो चलाने वाला है उसने ग्रीन टी शर्ट डाली हुई है, जो पीछे लड़का बैठा है जिसने स्नैच किया उसने रेड कलर का लोअर और रेड और ब्लैक कलर की टी शर्ट डाली हुई है। तो सर ये सारी वारदात सीसीटीवी में? हाँ, ये सारी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है, हमने इनके खिलाफ शिकायत ले ली है और आगे कार्रवाई की। जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी हरीश कोहली मेरे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, पुलिस कितनी तेजी से इस मामले पर कार्रवाई कर रही है, इन दोनों के बारे में क्या कुछ पता चल पाया है? ये यमुनानगर के शहर के बीच में घटना है जहाँ पर तिलौटी रोड के ऊपर स्थित महिंद्रा पेट्रोल पंप पर 4 दिन धारे के लिए लूट कर दी गई है, जहाँ पर 2 युवक पेट्रोल डलवाने के लिए आते हैं और पेट्रोल डलवाने के पश्चात 1 युवक जो पैसे देने के लिए अपने जेब में से पैसे निकालता है और जो दूसरा युवक है सेल्समैन के हाथ में रुपए छीनकर भाग जाता है। इसी में जो पीछे जब सेल्समैन उसको पीछे भागते हुए फिरते हुए ले जाते हैं, थोड़ी देर के बाद जब वो वहां से बाइक लेकर भागने फरार हो जाते हैं। देखने वाली बात यह है कि आज जब के अधिकारियों ने बिना नंबर की बाइक के ऊपर पेट्रोल पंप वालों को डांटे दे रखी है कि ये बिना नंबर की बाइक के ऊपर पेट्रोल न डाले, इसके बावजूद भी यहाँ पर नियमों की अनदेखी की जा रही है। फिलहाल पुलिस को सूचना देने के और पुलिस तुरंत वहाँ पर पहुंची और छानबीन में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में जांच की जा रही है जी। तो कहीं ना कहीं ऐसे में हरीश ये बात भी एक बार फिर से सामने आती है कि जो भी नियम कानून बने हुए हैं उनको भी फॉलो करना यहाँ पर पेट्रोल पंप कर्मचारियों के लिए जरूरी है और ताकि इस तरह की जो वारदातें हैं वो सामने ना आए। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका हरीश खबर पर जानकारी देने के लिए। लूट की पूरी वारदात हालांकि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है और पुलिस अब मामले में जांच कर रही है। यमुना नगर पेट्रोल पंप का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।